अब ये एग्जांपल देखो, पिछले चार वीडियो से हम एग्जांपल कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, ठीक है। अब तो सब कुछ आइडिया आ ही गई होंगी। अब कुछ ये और है, ये देख लो, जरा ध्यान से वर्ड्स पढ़ना, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। इन ए गेम ए पर्सन इज पेड ₹5 इफ ही गेट्स ऑल हेड्स और ऑल हेड्स और ऑल टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस। 3 कॉइन टॉस कर रहे तो शर्त क्या है, एक शर्त लगी हुई है ऐसा समझो दो लोगों के बीच में। अब एक व्यक्ति 3 कॉइन टॉस कर रहा और दूसरे सामने वाले ने उसको क्या बोला कि अगर तू 3 हेड या 3 टेल लाएगा, जब तीनों टाइम गिरे तो तीनों कॉइन्स गिरेंगी तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए तो मैं तेरे को ₹5 दूंगा। इन ए गेम ए पर्सन इज पेड ₹5, उसको ₹5 मिलेंगे, जो गेम खेल जो कॉइन टॉस कर रहा है ना उसको ₹5 मिलेंगे, सामने वाला देगा। हाँ, और शर्त पूरी नहीं हुई अभी। हाँ, और सुनो, एंड ही हैज टू पे ₹3, उसको ₹3 पार्टी को वापस देना पड़ेगा अगर एक या दो हेड आए तो, समझे। यानी एक व्यक्ति 3 कॉइन टॉस कर रहा, सामने एक दूसरा खड़ा है उसका दोस्त, वो क्या उसको बोला अगर 3 हेड या 3 टेल आए, तीनों हेड या तीनों टेल आए तो मैं तेरे को ₹5 दूंगा, यू विल गेट ₹5। और अगर 2 हेड या 1 हेड आया तो तूने मेरे को ₹3 देना बस। तो वो व्यक्ति का जीतने का एक्सपेक्टेशन क्या है, पर गेम जीतने की संभावना क्या है या कितने रुपए जीतेगा, जीतने की संभावना नहीं कितने रुपए जीतेगा, और फिर वेरिएंस भी निकालना है, ठीक है। हाँ, आप सुनो, वो व्यक्ति 3 कॉइन टॉस कर रहा तो टोटल 8 में से कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा, ऐसे ही आता NS8, ये तो मालूम है। अब एक्स लेंगे हम रैंडम वेरिएबल, रुपीज द पर्सन गेट, जो टॉस करने वाला एक पर्सन है उसको रुपए मिलेंगे, ये है एक्स। हाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती, एक तो है ₹5 मिलेंगे या दूसरा क्या मिलेंगे, ₹3 देना पड़ेगा उसको, है ना, ₹3 उसको देना पड़ेगा ना। अब हम गणित में ऐसा देना पड़ेगा नहीं बोलते, कितना लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। 3 उसको देना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ, -3 उसको देना पड़ेगा, हाँ सॉरी -3 उसको लेना पड़ेगा, -3 लेना है ना 3 देना होता। हाँ, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 5 और -3, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 या -3, या तो ₹5 मिलेंगे या ₹3 जाएंगे, यानी उसको मिलेंगे कितने कितने, 5 या -3, 5 या -3 में से वैल्यू रहेगी। क्लियरली वैल्यू ऑफ एक्स में भी एनी वन आउट ऑफ 5 और -3। अब बोलो 5 कब मिलेंगे, x=5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ₹5 मिलने की, उस व्यक्ति को ₹5 जो ये टॉस कर रहा उसको ₹5 मिलने की संभावना क्या है, बोलो बोला कब कब ₹5 मिलेंगे उसको, x=5 की संभावना क्या है, कब कब 5 मिलेंगे, जब तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे। हाँ, यानी इसका करस्पॉन्डिंग इवेंट हो गया, ये ₹5 मिलने का की संभावना कब होंगी, जब इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ये इवेंट आएगा। अब ये इवेंट आने की संभावना कितनी है, 2/8, यानी उसको ₹5 मिलने की संभावना कितनी हुई, 2/8। अच्छा, ₹3 कब मिलेंगे, या सॉरी -3 कब मिलेंगे, यानी ₹3 उसको कब 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 देना पड़ेगा, जब एक या दो हेड आएंगे, एक या दो हेड का मतलब बचे हुए 6, अरे भाई 3 हेड और 3 टेल इसमें चले गए, अब बचे हुए 6 में से कोई भी आया, देखो ये 8 में से ये 2 गए, ये बचे हुए 6 में से कोई भी 2 आया, कोई भी आया, एक रिजल्ट आया, तो उसको ₹3 देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, बराबर है, क्योंकि देखो ना उसने क्या बोला, एक हेड या दो हेड आए कि तेरे को ₹3 देना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, दो हेड या दो हेड, यहाँ दो टेल यानी एक हेड, यहाँ दो हेड, यहाँ एक हेड, यहाँ एक हेड, तो एक या दो हेड वाले 6 रिजल्ट है, इनमें से कुछ भी आया तो ये फिट गया, इसको ₹3 देना पड़ेगा या -3 लेना पड़ेगा।
तो बोलो बोलो माइनस तीन, एक्स के माइनस थ्री होने की संभावना या एक्स की माइनस थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, सिक्स अपॉन एट, ज़्यादा आएंगी, बराबर है ना। अरे दो ही बार उसको पाँच रुपये मिलने के चांस है, देखो ना दो में ये दो ही रिजल्ट आए तो ही उसको पाँच रुपये मिलते, और ये छः में से कोई भी एक रिजल्ट आया तो उसको तीन रुपये देना पड़ता। मिलते इधर ज़्यादा इधर कम मिल रहे, लेकिन लेकिन ये छः रिजल्ट है, ये दो रिजल्ट है। अब समझ में आया कुछ गणित, ये दो मिले तो उसको, दो में से कोई भी एक रिजल्ट आया तो उसको पाँच रुपये मिलेंगे, और ये छः में से कोई भी एक रिजल्ट आया तो तीन रुपये उसको देना पड़ेगा या माइनस तीन रुपये मिलेंगे। तो बस ये बन गया तुम्हारा टेबल, एक्स की पाँच वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है टू बाई एट, और एक्स की माइनस थ्री वैल्यू की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सिक्स बाई एट। मिलेंगे कम सम रुपये, ज़्यादा मिलेंगे पर चांसेस कम है, इसमें रुपये कम मिले देना पड़ेगा लेकिन चांसेस ज़्यादा है। या क्या टेबल बस, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, ई एक्स सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए, ये आ जाएगा माइनस वन। ई एक्स माइनस वन आ रहा यानी उसको हर बार गेम में हारने के चांस ज़्यादा है, एक एक रुपये घाटे में जाएंगे, ऐसा गेम खेलेगा ऐसी शर्त लगाएगा तो एक एक रुपया उसको हर गेम यानी चांस है। या ऐसा तुम समझ लो रफली कि अगर उसने 10 बार ऐसा तीन तीन कॉइन उछाला तो माइनस 10 रुपये होंगे उसके, ये पक्की बात हमारी, ठीक है। हाँ अब वी एक्स भी निकालना, तो खैर वो ई एक्स स्क्वायर निकाल लिए, ई एक्स स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर इंटू ये, वो 13 आ जाता। एंड फिर ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार एक मिनट एक मिनट, ये गलत हो गया, 13 तो ऐसे रहेगा ना, हाँ 13 माइनस वन यानी 12 आएगा, इसका स्क्वायर ओ मेरे लिखने में गलती, हाँ नहीं बराबर है ना, ई एक्स स्क्वायर कितना है 13, 13 माइनस माइनस वन का स्क्वायर, हाँ माइनस वन का स्क्वायर वन, 13 माइनस वन 12 आएगा, हाँ तो वी एक्स आएगा 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, फॉर अ रेंडम वे, ये तो बच्चों का खेल, एक एक दो दो मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आएंगे, कोई खास बात नहीं, तुमको ये फार्मूला याद होना बस, ये वी एक्स का जो फार्मूला है उस पर आधारित है ये तुम देख के समझ जाते। वी एक्स दिया है 4, ई एक्स दिया है 3, ई एक्स स्क्वायर निकालो, या ई एक्स स्क्वायर दिया है 31, वी एक्स दिया है 6, ई एक्स निकालो, ये फार्मूले का उपयोग कर लो बस। ये तीन का फार्मूला है ना, वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तीन में से दो चीज़ें दी हुई है, तीसरी निकालना है, कोई दिखाई बात है छोड़ो ना। ई एक्स पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, इसलिए ई एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो ई एक्स प्लस या माइनस 5, ठीक है, ये देख लो, कोई खास बात नहीं, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं। ओके थैंक यू।